आमतौर पर एक प्रचलित धारणा है कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसका मुख्य कारण पितरों की नाराजगी से जुड़ा होता है। ऐसे में क्या किसी आपात स्थिति में कोई शुभ कार्य का आयोजन करना है तो उसके लिए किसी विशेष पूजा की जरूरत होती है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमने मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज मेहता से बात की है, जहाँ उन्होंने तथ्यों के साथ जानकारी साझा की है। देखिए, हमारे यहाँ पर तीन ऋण माने गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और इन तीनों ऋणों के लिए नित्य, नैमित्तिक और आम, जैसे हम जो है वो अनुष्ठान करते हैं, तो नित्य अर्पण किया जाता है। ऐसे ही वर्ष में एक बार पितरों के पूजन के लिए 16 दिनों का एक समय, जिसको हम 16 श्राद्ध कहते हैं, तो 16 श्राद्ध के रूप में हम लोग मनाते हैं, जिसमें हम पितरों का अर्चन करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यही श्रद्धा ही श्राद्ध है। अब चूंकि पितरों का पूजन जिसमें किया जाता है वो जो होता है वो पूरी प्रक्रिया में देखा जाए तो मध्यान्ह से लेकर सायं पर्यंत होती। हमारे यहाँ इसलिए कोई कार्य का निषेध किया गया है, इसमें इसको पक्का निषेध नहीं समझिए, कुछ नियम स्थिति परिस्थिति समय के अनुसार बनाए जाते। ये पितरों के जो पूजन है उस पूजन के अंदर हमें 16 दिन के लिए निषेध नहीं। जिस दिन अपने घर में पितरों का पूजन होता है उस दिन कोई नूतन कार्य, क्योंकि यदि हम कोई अन्य कार्य करेंगे हम पितरों का पूजन नहीं कर पाते। हमारे पितरों का जिस दिन आह्वान होता है, हमारे जो तिथि होती है, हम जिस श्राद्ध कर्म पर, तो ऐसा होता है कि हमारी ऐसी मान्यता भी है और शास्त्रों का भी ऐसा वचन कि पितृ जो है वे धरती के सबसे, जब कन्या राशि का सूर्य होता है उस समय पृथ्वी के सबसे सन्निकट वो ऊर्जा रहती है, पितृ ऊर्जा के नाम से होती है। वो पितृ ऊर्जा बहुत पास में होती है, तो वो जब आती है तो कोई भी, जैसे हम मैं भी हूँ, तो मैं भी चाहूंगा कि मेरा पूरा परिवार एक साथ, सब एक साथ एकत्रित दिखे, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि सब मुझे एक साथ मिल रहे। ऐसे ही इसी अवधारणा को, इस ऊर्जा की भावना के साथ जब कोई अपने घर कोई श्राद्ध कर्म होता है, तब यदि हम और अन्य कार्यों में ध्यान लग रहे हैं तो इसका मतलब हमारा ध्यान कहीं और है, हम उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वो ऊर्जा अपमानित महसूस कर, इसलिए वो निषेध था कि भाई उस समय कोई भी अन्य कार्य करने के बजाय केवल पितरों का पूजन अर्चन विधान किया। पंडित पंकज मेहता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान शुभ कार्यों से बचने की परंपरा का धार्मिक आधार यह है कि यह समय अपने पितरों को श्रद्धांजलि देने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। पौराणिक कथाओं में भी कहा गया है कि पितृपक्ष में पितर धरती पर आते हैं और इस दौरान उन्हें तृप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी को पितृपक्ष में शुभ कार्य करना आवश्यक हो तो पहले अपने पितरों की विशेष पूजा और तर्पण करना चाहिए। हालांकि शास्त्रों में यह भी माना गया है कि कोई भी शुभ कार्य करने के लिए 16 दिन सभी के लिए निषेध नहीं है। जिस दिन अपने घर में पितरों का पूजन होता है या आह्वान किया जाता है, सिर्फ उसी दिन शुभ कार्य निषेध होते हैं। अब 16 दिन मना है, मतलब 16 दिन मना है, जिसका यहाँ पे पूजन है उसको उस दिन मना, यहाँ पर हमने उसको ऐसा ले लिया 16 दिन मना है, तो शास्त्र यही कहे 16 ही दिन मना है, क्यों? कारण ये कि किसी न किसी के यहाँ तो कोई ना कोई श्राद्ध होगा, तो हमारे यहाँ जिस दिन श्राद्ध अर्चन होगा, पूजन होगा, जिस दिन हम उस दिन हम अन्य कोई कार्य करने के बजाय केवल अपने पितरों का अपमान करना चाहिए। यद्यपि उस पक्ष में यदि हम कोई चीज लाते लाते हैं तो सामान्यतया तो कोई अपने घर में कोई वृद्धि होती है, अपने परिवार का व्यक्ति प्रसन्न नहीं होगा, वो अप्रसन्न नहीं होगा, तो पितर अप्रसन्न नहीं होते। परंतु मैंने जैसा कहा कि पूजन विधि में दोष न हो, पूरा कुल कुटुंब एक साथ पूजन करे, इसीलिए उस दिन दूसरा अन्य कार्य निषेध। ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज मेहता का कहना है कि पितृपक्ष में जिस दिन पितृ की मृत्यु हुई हो उसी दिन विशेष पूजा करना शुभ कार्यों के लिए लाभकारी हो सकता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। लोकल एटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।